आकाशवाणी जलंधर। खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं अवतार सिंह ढिल्लों। सब तो पहला खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते ब्राजील दे राष्ट्रपति ने पच्छमी एशिया की हालत ते डूंगी चिंता प्रगट की है। त्योहारां दे बावजूद चोणां वाले राज्यां विच चोण प्रचार जोर पड़ गया। मध्य प्रदेश विच बीजेपी अज अपना चोण मनोरथ पत्र जारी करेगी। एमएसएमई सैक्टर ने 15 करोड़ तो वध रोजगार के मौके पैदा करके एक अहम मील पत्थर सेट किया। सरकार ने दिव्यांग कर्ज धारकों वालों समय सिर मुड़ अदायगीकरण से ब्याज दर विच 1% की छोट का ऐलान किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ के 590.783 अरब अमरीकी डालर हो गया। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट विच दक्षिणी अफ्रीका ने अपने आखिरी लीग मैच विच अफगानिस्तान नूं 5 विकटां नाल हरा दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते ब्राजील दे राष्ट्रपति लुईस इनसियो लुला दा सिल्वा ने कल पच्छमी एशिया विच चल रहे विकास ते चिंतावां सांझियां कीतियां। श्री मोदी ने कल ब्राजील दे राष्ट्रपति ने फोन किया। गल्लबात दौरान दोहां नेतावां ने दहशतवाद हिंसा ते आम नागरिकां दे नुकसान ते डूंघी चिंता प्रगटाई। दोहां आगुआं ने स्थिति दे जल्दी हल लई ठोस जतन करन दा वी सद्दा दित्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की ब्राजील की प्रधानगी की सफलता लई भारत के पूर्ण समर्थन का प्रगटावा किया। उन्होंने नवी दिल्ली विच G20 शिखर सम्मेलन तो अलावा अपनी मीटिंग तो बाद सारे खेतरां विच दुवल्ले सहयोग नूं होर वधाउण दे तरीकां बारे भी गल्लबात कीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अमरीका 2+2 मंत्री पद्धर की गल्लबात दोहां देशां दरमियान व्यापक आलमी रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करने लई इक मुख जरिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत अते अमरीका दा लोकतंत्र बहुवाद ते कानून दे राज विच सांझा विश्वास वक्-वक् खेतरां विच आपसी लाभदायक सहयोग नूं दर्शाउंदे ने। उन्हां कहा कि भारत अमरीका भाईवाली सचमुच विश्व भलाई दी इक ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अमरीकी रक्षा मंत्री लॉयड एस्टन ते विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन नाल मीटिंग कीती। मंत्रियों ने श्री मोदी नूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर नाल 2+2 तहत हुई गल्लबात बारे जानकारी दित्ती। उन्होंने रक्षा, सैमी कंडक्टर, उभरती तकनालोजी, पुलाड़ ते सेहत समेत दुवल्ले सहयोग के वक्-वक् खेतरां विच प्रगति नूं भी उजागर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडन नूं निघियां शुभकामनावां दित्तियां ते कहा कि उह उन्हां नाल निरंतर आदान प्रदान की उम्मीद करते हैं। इस तों पहलां 5वीं भारत अमरीका 2+2 मंत्री पद्धरी गल्लबात कल नवी दिल्ली विच सफलतापूर्वक खत्म हुई। दोवां देशां ने रक्षा ते सुरक्षा सहयोग, पुलाड़, तकनालोजी, लॉजिस्टिक सहयोग ते लोकां नाल लोकां दे संपर्क समेत कई मुद्दयां ते गल्लबात कीती। दोवां देशां दे नेतावां ने बहुपक्षी खेतर विच सहयोग वधाउण अते आलमी दखण नूं शामल करन लई अपनी वचनबद्धता दी पुष्टि करदे होए हिंद प्रशांत, दक्षिणी एशिया, पच्छमी एशिया ते यूक्रेन संघर्ष ते वी विचारां दा आदान प्रदान कीता। विधानसभा चोणां लई प्रचार 4 सूबियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ते तेलंगाना विच जोर फड़ रिहा। त्योहारां दीआं वचनबद्धतावां दे बावजूद सारीआं सियासी पार्टीआं दे स्टार प्रचारक अपने सारे यतन कर रहे ने। भारतीय जनता पार्टी अज विधानसभा चोणां लई अपना चोण मनोरथ पत्र जारी करेगी। भाजपा ने इस दा नां संकल्प पत्र रख्या है। राष्ट्रीय प्रधान जगत प्रकाश नड्डा अज भोपाल विच पार्टी दा चोण मनोरथ पत्र जारी करनगे। दूजे पासे पार्टी दी मुहिम नूं होर हुलारा देण लई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अज धार ते इंदौर जिले विच जनसभावां नूं संबोधन करनगे। इस दे नाल ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी ते गोंडवाना गणतंत्रा पार्टी दे आगुआं ने भी अपनी पूरी ताकत प्रचार मुहिम विच लगा दित्ती है। दूजे पासे चोण कमिशन वालों दित्ती गई घर घर जाके वोट पाउण दी सहूलत दा लोक वड्डी पद्धर ते लाभ उठा रहे ने। छत्तीसगढ़ विच विधानसभा चोणां दे दूजे गेड़ लई प्रचार तेज हो गया। भाजपा दे सीनियर नेता ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर नूं छत्तीसगढ़ दे इक दिना दौरे ते मुंगेली जिले विच होणगे। राजस्थान विच भाजपा, कांग्रेस ते होर पार्टियां दे आगुआं ने वख-वख थावां ते चोण मीटिंगां नूं संबोधन कीता। तेलंगाना विच कल नामजदगी दाखल करन दे आखिरी दिन दे बाद चोण प्रचार हुण अगले पद्धर तक पहुंच गया। 119 मैंबरी राज विधानसभा लई इस महीने की 30 तरीक नूं वोटां पाईआं जाणगीआं। सूखम, छोटे ते दरमियाने उद्योग एमएसएमई सैक्टर ने 15 करोड़ तों वध रोजगार दे मौके पैदा करके इक महत्वपूर्ण मील पत्थर सर कीता। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नरेंद्र राणे ने सोशल मीडिया पोस्ट राही इस दा ऐलान कीता। उन्होंने उद्यमय पोर्टल ते 3 करोड़ तों वध एमएसएमई यूनिटां दी रजिस्ट्रेशन दे नाल इस प्राप्ति नूं आसान बनाउण विच उद्यमय पोर्टल दी महत्वपूर्ण भूमिका नूं उजागर कीता।
आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे हो। सरकार ने समय सिर मुड़ अदायगी लई नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनांस एंड डिवेलपमेंट कारपोरेशन लोन तहत दिव्यांग कर्जदारा नूं 1% ब्याज दर विच छूट दा ऐलान कीता। यह फैसला दिव्यांग व्यक्तियों विच माली समावेश नूं होर वधाउण ते आर्थिक शक्तिकरण नूं वधाउण लई लिया गया। दिव्यांग व्यक्तियों के शक्तिकरण विभाग के सकत्तर राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस कदम का उद्देश माली सहायता की मांग करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों से माली बोझ नूं घटाउणा अते जिम्मेवार मुड़ अदायगी अभ्यासां नूं उत्साहित करना है। सरकार ने प्रसारण सेवावां नियमबद्ध बिल 2023 का खरड़ा जारी किया है। इस ते टिप्पणियां मंगियां ने। बिल का खरड़ा प्रसारण सेवावां नूं नियमित करने लई एक संगठित ढांचे की व्यवस्था करेगा। इस बिल ते टिप्पणियां अगले 30 दिनां दे अंदर भेजियां जा सकदियां ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 3 नवंबर नूं खत्म होए हफ्ते लई भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.672 अरब डॉलर वध के 590.783 अमरीकी डॉलर हो गया। यह वाधा इस नूं 7 हफ्तियां के उच्च पद्धर से लै गया। सर्वोच्च बैंक ने कहा कि विदेशी मुद्रा संपत्तियां 4.392 अरब अमरीकी डॉलर का वाधा होया। रखे गए सोने की समुची कीमत 20 करोड़ डॉलर वध के 46.123 अरब अमरीकी डॉलर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वोकल फार लोकल तहत स्थानक वस्तां खरीदने की अपील से आम लोग त्यौहारों मौके बाजारों में स्थानक वस्तां की खरीददारी पहल दे रहे हैं। इस नाल ए वस्तां तैयार करने वाले लोग हुन खुश ने। बठिंडा विखे मिट्टी के दीवे होर समान तैयार करने वाले कुम्हार खुश ने कि लोग उन्हां दीआं वस्तां हुन उन्हां दे घरों ही आके खरीद रहे ने। मैं रामकिशन मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस बार मन की बात में मोदी जी ने जो आम लोगों से ये बोला कि दीवे बनाने वालों से दीवे खरीद कर ही जलाओ। पहले तो हमें घर घर जाना पड़ता था, अब माहौल ऐसा बना है कि हमारे घर में दीये लेने वाले खुद ब खुद चल कर आ रहे हैं, इसलिए हमारा काम चोखा चल रहा है। मैं राजू प्रजापत मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। मन की बात में बोला था मोदी जी ने भी दिवाली पर मिट्टी के दीये ही जलाएं, और हम लोग पहले रेडी में डालकर लोगों के घर तक दीये पहुँचाया करते थे। अब लोग हमारे घर से दीये लेके जाते हैं और घुरुंडी वगैरह लेके जाते हैं, बहुत अच्छा नफा हो रहा है। पंजाब विच खेतां विच पराली साड़न लई बीती 8 नवंबर तक 4,310 मामलों विच किसानां ते वातावरण मुआवजा लगाया गया, जबकि 1,034 मामलों विच हाली जुर्माना लगाया जाना बाकी है। सारे मामलों विच मुआवजे की कुल रकम 1,94,08,000 वसूल की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार राम की पैड़ी समेत अयोध्या के 51 घाटां ते अज दीप उत्सव मौके 21 लाख मिट्टी के दीवे जां दीवे बाल के छेवां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाउण दा टीका रखेगी। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोवें उप मुख्यमंत्री ते कई होर राज्यां दे कैबिनेट मंत्री समागम की शोभा वधाउणगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस समागम नूं जनवरी विच राम मंदर दे शानदार उद्घाटन तों पहलां इक रिहर्सल किया। आकाशवाणी के पत्रकार ने खबर दी कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या ते इस नाल संबंधित कालजां दे 25,000 तों वध वलंटियरां नूं इस दीप उत्सव लई अयोध्या प्रशासन द्वारा शामिल किया गया। रिकॉर्ड नूं आसान बनाउण लई वलंटियरां ने घाट इंचार्जां ते कोआर्डीनेटरां दी निगरानी हेठ घाटां ते 24 लाख दीवे लगाए ने। इस महीने की 13 तरीक तो दिल्ली में लागू होने वाली ऑडिमन वाहन प्रणाली मुलतवी कर दिया गया। यह फैसला हवा की गुणवत्ता में सुधार के मद्देनजर लिया गया, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मर्दां दे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप च आस्ट्रेलिया सवेरे 10:30 बजे पुणे विच बंगलादेश दे नाल मुकाबला करेगा, जदों इंग्लैंड दोपहर बाद 2 बजे कोलकाता विच अपने आखिरी ग्रुप लीग मैच विच पाकिस्तान नाल मुकाबला करेगा। इस दौरान दक्षिणी अफ्रीका ने कल अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम विच अपने आखिरी लीग मैच विच अफगानिस्तान नूं 5 विकटां नाल हराया। आखिर विच खास खबरां इक वार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते ब्राजील दे राष्ट्रपति ने पछमी एशिया की हालत ते डूंगी चिंता प्रगट की है। त्यौहारां दे बावजूद उन्हां वाले राज्यां विच चोण प्रचार जोर फड़ गया। मध्य प्रदेश विच बीजेपी अज अपना चोण मनोरथ पत्र जारी करेगी। एमएसएमई सैक्टर ने 15 करोड़ तो वध रोजगार के मौके पैदा करके एक अहम मील पत्थर सर किया है। सरकार ने दिव्यांग कर्ज धारकों वालों समय सिर मुड़ अदायगी करने ब्याज दर विच 1% की छूट का ऐलान किया। इस आकाशवाणी जलंधर तो खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा।